नमस्कार, आप देख रहे खबर दिनभर, मैं आपके साथ दीपेंद्र कुमार। चलिए रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के चार चरण पूरे हो चुके हैं। पांचों चरण की वोटिंग सोमवार 20 मई को होगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं आज शाम शनिवार 6 बजे बाद पांचों चरण का चुनाव प्रचार बंद हो गया। प्रचार बंद होने से पहले तमाम दिग्गज जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटे थे। बता दें कि पांचों चरण की वोटिंग में 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटें शामिल हैं, जहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इस चरण में कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे और इस चरण में सबसे बनी हॉट सीट उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर सभी की नजरें टिकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक और भारत में जारी लोकसभा चुनाव के बीच सोने और चांदी की कीमत में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शनिवार को 24 कैरेट सोना 10 ग्राम सोने की कीमत 76,000 रुपये पहुंच गई, तो वहीं चांदी प्रति किलो के भाव से तेजी हो गई, जिसके बाद प्रति किलो चांदी की कीमत बढ़कर 92,100 रुपये पर आ गई। जयपुर में ARL ग्रुप और अक्षत बिल्डर्स पर आयकर विभाग की छापेमारी का आज तीसरा दिन भी है। शनिवार सुबह करीब 10 बजे आयकर की टीमें दोनों ग्रुप के संचालकों के पास करोड़ों रुपए के दस्तावेज जब्त किए हैं। साथ ही ग्रुप के संचालकों के परिवार की संपत्ति बताने भी फर्जीवाड़ा किया गया है। आयकर विभाग की टीम अब तक 13 लॉकर में से 12 लॉकर खोलकर सोना और कैश जब्त कर चुकी है। राजस्थान में 12 मई तक रहेगा तेज गर्मी का प्रकोप। शनिवार को प्रदेश के 3 जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 47 डिग्री तक पारा पहुंचने की आशंका है। इसके अलावा 9 जिलों में हीटवेव चलने का ऑरेंज अलर्ट और जयपुर सहित 13 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि हीटवेव का स्पेल लंबा चलने वाला है। डूंगरपुर जिले के कुआ थाना क्षेत्र में बेड़वा गाँव में एक बहरम पिता ने अपने 3 वर्षीय मासूम बेटे की चाकू से रेतकर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी पिता को डिटेन कर लिया है, जिसे पुलिस पूछताछ कर रही है। तो वहीं घर के अंदर पुलिस को एक खुदी हुई कब्र भी मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हनुमानगढ़ के किकरवाली गांव के ग्रामीणों का SP कार्यालय पर प्रदर्शन। 11 मई को हुई हब्बी बुलाय की हत्या के मामले में संगरिया पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने और 3 आरोपियों को बचाने के लगाए आरोप। साथ ही SP कार्यालय पर किए प्रदर्शन के बाद SP ने 2 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। अरावली पहाड़ी क्षेत्र में खनन पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश से राजस्थान सरकार की चिंता बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 9 मई को सुनवाई के दौरान राजस्थान सहित अरावली सहित 4 राज्यों में वैध खनन को अंतिम अनुमति देने के अधिकार पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि अरावली खनन में रोक लगने से राजस्थान सरकार की प्रतिवर्ष लगभग 5,700 करोड़ से अधिक के रेवेन्यू का नुकसान होता है। झालावाड़ जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के ओसाव गांव में अल सुबह अपने ही घर में एक बुजुर्ग का शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। पिडावा DSP सुनील कुमार ने बताया कि ओसावा गांव के माथनिया रोड पर स्थित एक मकान के अंदर एक बुजुर्ग का शव पड़ा होने की सूचना मिली। मृतक की पहचान ओसावा निवासी 65 वर्षीय घनश्याम गुज्जर के रूप में हुई। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से निशान भी मिले। इसके बाद झालावाड़ FSL की टीम मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी में 3 अगस्त को नाबालिग के साथ 2 लड़कों ने गैंगरेप कर कोयले की भट्टी में जिंदा फेंकने के मामले में शनिवार को पोस्को कोर्ट की अदालत ने फैसला सुनाया। इस केस में मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने भट्टी कांड में शामिल 2 मुख्य आरोपी सगे भाइयों को दोषी माना और अन्य 7 को बरी कर दिया। फिलहाल इस मामले में आरोपियों की कितने वर्ष की सजा हुई, इसे अभी तक सुरक्षित रखा गया है। झालावाड़ जिले के बकानी पुलिस को सूचना मिले पर अवैध पदार्थ की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास 1 किलो 220 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है। बकानी थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद मीणा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल दिनांक 17/5/2024 को 10 के दौरान अचानक सूचना मिली कि एक व्यक्ति नसीराबाद की तरफ अवैध मैंने थाना अधिकारी रामे से पूछा, मेरा थाना बताने द्वारा आकस्मिक चेकिंग की जाकर पकड़ा गया तो उप व्यक्ति ने अपना नाम दुर्गा शंकर दुर्गा लाल जाति कलाड़ निवास नसीराबाद का होना बताया, जिसको चेक किया तो उप व्यक्ति के पास एक थैली में 1 किलो 220 ग्राम अवैध गांजा होना पाया गया, जिस पर मौके पर धारा 820 NDPS एक्ट का अपराध होना पाया गया। बाद कार्रवाई संपूर्ण के मुलजिम को मौके पर गिरफ्तार किया जाता, माल को जब्त किया जाता, वापसी थाना पर अवैध मादक पदार्थ तस्करी के संबंध में प्रकरण दर्ज किया जाता। तो आज दिन भर में इतना ही, कल फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।